हेलो स्टूडेंट्स, इस सीरीज में हम देखेंगे बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर का एक पेपर है कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग। उससे रिलेटेड हम मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ऑलरेडी मैंने सारे सब्जेक्ट्स के एमसीक्यूज जो हैं अपलोड कर दिए हैं और ये सारे एमसीक्यूज जो है आपको ऐसे ही क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो एग्जाम से पहले इन सारे एमसीक्यूज प्लस इस पर मैंने कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग पर थ्योरी सेशन भी लिया है, उसको भी आप ज़रूर देखकर एग्जाम से पहले जाएं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पहला है कि डैश कच्चे रूप में तथ्यों और आंकड़ों का संग्रह है, प्रोग्राम डेटा इंफॉर्मेशन की ये सभी। तो देखिए, जो आंकड़े और का मतलब संग्रह होता है, मींस जो फैक्ट्स होते हैं, जो आंकड़ों होता है उनका संग्रह किसे हम बोलते हैं, दैट इज डेटा, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपयोगी रूप से संसाधित डेटा के रूप में जाना जाता है, प्रोग्राम डेटा इन्फॉर्मेशन की ये सभी। मतलब जो संसाधित डेटा होते हैं उसको किस रूप के में जाना जाता है, दैट इज इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री है, डैश को इनपुट के रूप में माना जाता है, प्रोग्राम इन्फॉर्मेशन डेटा की ये सभी। तो डेटा को इनपुट के रूप में क्या है जाना जाता है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर है, डैश को आउटपुट के रूप में जाना जाता है, प्रोग्राम को डेटा को इन्फॉर्मेशन को ये सभी। तो आउटपुट के रूप में पूछा जाता है किसे, इन्फॉर्मेशन, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फाइव है, निम्नलिखित में से कौन सा डेटा के बारे में सत्य नहीं है। क्या पूछा है, डेटा के बारे में नहीं सही है पूछा है। पहला कि कच्चे रूप में तथ्यों और आंकड़ों का संग्रह, बी है कि सीधे रूप में उपयोगी नहीं, सी है इनपुट के रूप में भी कहा जाता है, कि डी इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा डेटा के बारे में इसमें से कहा है कि ट्रू नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं सही है, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूचना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है, अंतिम परिणाम, प्रोसेसिंग की आवश्यकता है, इसे आउटपुट भी कहा जाता है, कि ये सभी। तो सूचना के बारे में जो निम्नलिखित कौन सा सत्य नहीं है, ट्रू नहीं है पूछा है, तो प्रोसेसिंग की आवश्यकता नहीं है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर सेवन है, देखिए कंप्यूटराइज्ड अगर हम की बात करें कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम की, तो इसमें आपके जो भी बेसिक्स कंप्यूटर के बारे में तो सबको थोड़ी बहुत तो नॉलेज होगी कि कंप्यूटर क्या होते हैं, कंप्यूटर के कौन फादर हैं, उसमें रैम रोम जो भी है, ये सारे फुल फॉर्म आप एग्जाम से पहले ज़रूर देखकर जाएं। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर, इन सारे में डिफरेंस क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें बस एग्जाम में एज अ सिंपल कंप्यूटर के इंट्रोडक्शन के बारे में आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादा पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, जो भी बेसिक्स हैं कंप्यूटर की वही आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सीधे उपयोगी नहीं है, पहला डेटा बी सूचना दोनों ए या बी, कि इनमें से कोई नहीं। तो सीधे उपयोगी के रूप में होता है जो इन्फॉर्मेशन होता है, जो सूचना होता है, दैट इज अ सीधे उपयोगी रूप में होता है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कंप्यूटर अनुसरण करता है आईपीयू साइकिल, आईपीओ साइकिल, आईपीसी साइकिल, इनमें से कोई नहीं। तो कंप्यूटर अनुसरण करता है क्या, दैट इज आईपीओ साइकिल, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर का मतलब क्या है, काफी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को ही मिलेंगे कि कंप्यूटर के फादर किसको कहा गया, कितने जनरेशन है, फिर जो रैम है रोम है, ये सारे के फुल फॉर्म आप ज़रूर देखकर जाएं। तो कंप्यूटर का यहाँ फुल फॉर्म पूछा है कि कॉमनली ऑपरेटेड मशीन पर्टिकुलरली यूज फॉर ट्रेड एजुकेशन एंड रिसर्च। बी ऑप्शन कहता है कि कॉमनली ऑक्युपाइड मशीन्स प्रिसाइजली यूज इन टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। सी है कॉमनली ऑपरेटेड मशीन यूज इन टेक्निकल एंड एनवायरमेंटल रिसर्च। लास्ट है कॉमनली ओरिएंटेड मशीन यूज इन टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। ठीक है, तो यहाँ पर इसका फुल फॉर्म ये होता है कि कंप्यूटर स्टैंड फॉर, सी से हो जाएगा आपका कॉमनली ऑपरेटेड मशीन, ठीक है, पर्टिकुलरली यूज फॉर ट्रेड फॉर टेक्नोलॉजी ट्रेड एजुकेशन एंड रिसर्च। ठीक है, ठीक है, दैट इज ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टेन की बात करें,
डैश एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो डेटा लेता है, उसे प्रोसेस करता है, जानकारी देता है और क्या है, इन्हें स्टोर कर सकता है। सीपीयू, सीयू कंप्यूटर के इनमें से कोई नहीं। तो सीपीयू जो होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि ब्रेन होता है कंप्यूटर का, तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक होता है जो डेटा को लेता है। मतलब ये क्या करता है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है जिसमें वो क्या करता है कि उस डेटा को क्या मतलब इनपुट्स डेटा को लेता है इनपुट डिवाइस से और स्टोर करता है और प्रोसेस करता है और क्या प्रोड्यूस करता है आउटपुट। दैट इज ऑप्शन नंबर सी। सीपीयू का क्या मतलब है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनियन कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट की सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की इनमें से कोई नहीं। तो सीपीयू का जो मतलब होता है दैट इज योर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है एएलयू का मतलब क्या होता, अर्थमैटिक अर्थमैटिकल लॉजिकल यूनियन अर्थमैटिक लॉजिक यूनिट की इनमें से कोई नहीं। तो एएलयू स्टैंड फॉर क्या हो जाएगा आपका, अर्थमैटिक लॉजिक यूनिट, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। सीयू का मतलब क्या होता है, कंट्रोल यूनिट कैरियर यूनिट कंट्रोल यूनियन के इनमें से कोई नहीं। तो सीयू का मतलब होता है कंट्रोल यूनिट, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है 14, डैश को कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है, किसको ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है, काफी इजी क्वेश्चन है। एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, सीयू कंट्रोल यूनिट की सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कंप्यूटर का दिल कहा जाता है किसको, ALU, CPU, CU की इनमें से कोई नहीं। तो कंप्यूटर का दिल किसे कहा जाता है, कंट्रोल यूनिट को, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है डैश जोड़ घटाओ गुणा जैसा ऑपरेशन किसके द्वारा किया जाता है, मीन्स एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन ये सारी चीजें किसके द्वारा किए जाते हैं, अर्थमैटिक यूनिट पेन ड्राइव लॉजिक यूनिट की इनमें से कोई नहीं। तो अर्थमैटिक यूनिट से क्या है, एडिशन सब्ट्रैक्शन ये सारी चीजें ऑपरेशन की जाती हैं, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुलना विलय जैसे संचालन किसके द्वारा किए जाते हैं, अर्थमैटिक यूनिट लॉजिक यूनिट पेन ड्राइव की इनमें से कोई नहीं। तो जो तुलना है कंपैरिजन विलय ये सारे संचालन किसके द्वारा किए जाते हैं, दैट इज लॉजिक यूनिट, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इनपुट यूनिट डेटा को डैश में परिवर्तित करता है, जो इनपुट यूनिट होता है उसको डेटा को किस में परिवर्तित करता है, मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म की बी यूजर अंडरस्टैंडेबल फॉर्म की बोथ है एनवी की इनमें से कोई नहीं। तो इनपुट यूनिट डेटा को किस में परिवर्तित करता है, मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में इसमें क्या करता है, परिवर्तित करता है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक आउटपुट डिवाइस नहीं है, कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है, स्पीकर प्लॉटर स्कैनर की प्रिंटर। तो कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है, तो स्कैनर जो है वो एक आपका आउटपुट डिवाइस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, माइक्रोफोन MICR स्कैनर की प्रिंटर। तो प्रिंटर जो है इनपुट डिवाइस नहीं है। देखिए कौन कौन से इनपुट डिवाइस हैं, कौन कौन से आउटपुट डिवाइस हैं, ये सारी चीज़ें आपको देख के जानी है। देखिए प्रिंटर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही। देखिए MICR का भी एग्जाम में फुल फॉर्म पूछ सकता है, तो मैग्नेटिक इन कैरेक्टर रिकॉग्निशन इसका फुल फॉर्म होगा, ठीक है। नेक्स्ट है CD की भंडारण क्षमता आमतौर पर की सीमा में होती है 10 to 16 GB, 650 to 750 MB की, 650 to 750 GB की, 100 to 200 GB। तो CD की जो कैपेसिटी यहाँ पर पूछा आमतौर में कितनी होती है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 650 to 750 MB। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन समन्वित उच्चतम भंडारण क्षमता वाला है, DVD पेन ड्राइव हार्ड डिस्क की CD। तो कौन समन्वित उच्चतम भंडारण क्षमता वाला है, तो हार्ड डिस्क, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी वोल्टाइल मेमोरी होती है, हार्ड डिस्क रैम रोम की इनमें से कोई नहीं। तो इसमें पूछा वोल्टाइल मेमोरी कौन सी है, दैट इज रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें निम्नलिखित में से कौन सी सेकेंडरी मेमोरी नहीं है पूछा है, हार्ड डिस्क CD रोम की पेन ड्राइव। तो पेन रोम जो है रीड ऑनली मेमोरी वो एक सेकेंडरी मेमोरी नहीं है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन CPU के संचालन को नियंत्रित करता है, ALU RAM CU की BU। तो कौन CPU के संचालन को कंट्रोल करता है, तो दैट इज कंट्रोल यूनिट, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है
प्राइमरी मेमोरी को डैश मेमोरी के रूप में जाना जाता है। मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म, यूजर अंडरस्टैंडेबल फॉर्म की बोथ है एंड बी की इनमें से कोई नहीं। तो प्राइमरी मेमोरी को डैश मेमोरी के रूप में जाना जाता है, मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म के रूप में क्या है इसे जाना जाता है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस पीढ़ी के कंप्यूटर के ट्रांजिस्टर को प्रमुख घटक के रूप में उपयोग किया? फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन की फोर्थ जनरेशन। तो किस पीढ़ी के कंप्यूटर के ट्रांजिस्टर के प्रमुख घटक के रूप में उपयोग किया गया? तो सेकेंड जनरेशन के, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, जियो का मतलब क्या है? गूगल इन गूगल आउट, गेट इन गेट आउट, गार्बेज इन गार्बेज आउट की नन ऑफ दीस। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर एग्जाम में देखने को ज़रूर मिलेगा। तो इट इज़ स्टैंड फॉर गार्बेज इन गार्बेज आउट, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर की विशेषता है? वर्सटाइल, डिलीगेंस, नो इंटेलिजेंट, ये सभी। तो ये सारे कंप्यूटर के फीचर्स होते हैं कि कंप्यूटर क्या होता है, उसकी स्पीड होती है, एक्यूरेसी होती है, इंटेलिजेंट होता है, कंप्यूटर की विशेषता है। तो ये सारे के सारे हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सी कंप्यूटर की विशेषता नहीं है? तो पूछा है, एक्यूरेट तो होता ही है, सही सही डेट हर चीज़ बताता है, स्पीड बिल्कुल, इंटेलिजेंट नहीं होता है, दैट इज़ कंप्यूटर विशेषता क्या है, बी ऑप्शन हो जाएगा सही। नेक्स्ट है, कंप्यूटर के भौतिक घटकों को डैश के रूप में जाना जाता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर की इनमें से कोई नहीं। तो कंप्यूटर के भौतिक घटकों को किसके रूप में जाना जाता है? तो ये हार्डवेयर, दैट इज ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही। देखिए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे ही पूछे जाएंगे, जैसे हार्डवेयर होगा सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होता है वो यूज़र ओरिएंटेड होता है, और ये सिस्टम सॉफ्टवेयर जो कि सिस्टम ओरिएंटेड होता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इसकी क्या होती है, गति बहुत कम होती है, और ज़्यादा अधिक होती है गति किसकी, सिस्टम की। ठीक है, ये ज़्यादा इंटरेक्टिव होता है, और ये क्या होता है, कम इंटरेक्टिव होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, कंप्यूटर की कार्यक्षमता को नियंत्रित करने वाले निर्देशों के समूहों को किसके रूप में जाना जाता है? सॉफ्टवेयर, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस की हार्डवेयर। तो कंप्यूटर की कार्य क्षमता को नियंत्रित करने वाले निर्देशों के समूह को सॉफ्टवेयर के रूप में जाना जाता है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा उन अनुपयोगों के लिए उपयुक्त है जिनके लिए कम इनपुट आउटपुट लेकिन उच्च गणना की आवश्यकता होती है? बिजनेस कंप्यूटर, साइंटिफिक कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर की इनमें से कोई नहीं। तो निम्नलिखित में से कौन सा उन उपयोगों के लिए उपयुक्त है, कम इनपुट और आउटपुट उच्च गणना की आवश्यकता होती है, दैट इज साइंटिफिक कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर की विशेषता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, एक्सटेंसिव यूज ऑफ पैरेलल प्रोसेसिंग की, ये सभी। तो पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर की विशेषता फीचर पूछा है, तो ये सारे के सारे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गए, एक्सटेंसिव यूज ऑफ पैरेलल प्रोसेसिंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश HLL प्रोग्राम को पूर्ण रूप से ML प्रोग्राम में परिवर्तित करता है? कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर के इनमें से सभी। तो HL जो प्रोग्राम को है ML प्रोग्राम में परिवर्तित करता है, दैट इज योर कंपाइलर, ए ऑप्शन हो जाएगा आपका सही। नेक्स्ट है, डैश HLL प्रोग्राम को लाइन दर लाइन ML प्रोग्राम में उसको परिवर्तित करता है? कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर की इनमें से सभी। तो देखिए, ये सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, कंपाइलर क्या है, असेंबलर क्या है, इंटरप्रेटर, ये सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असेंबली भाषा प्रोग्राम को मशीन भाषा में क्या करता है, मशीन लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट करता है? कौन, कंपाइलर, इंटरप्रेटर की, असेंबलर की इनमें से सभी। तो यहाँ पर असेंबली लैंग्वेज को वो मशीन लैंग्वेज में अगर कन्वर्ट करता है तो उसे किसके हम क्या कहते हैं, दैट इज असेंबली। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी उच्च स्तरीय भाषा नहीं है? बेसिक, कॉम्बल, फॉर्ट की सी। तो उच्च स्तरीय भाषा नहीं है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा मशीन भाषा का फीचर नहीं है? सीखने में आसान, मशीन भाषा प्रोग्राम शीघ्र गति से एग्जीक्यूट किया जा सकता है कि सी है, मशीन भाषा मेमोरी का सर्वोत्तम उपयोग करती है कि डी, उपरोक्त सभी। तो मशीन भाषा का इसमें फीचर नहीं पूछा है, तो सीखने से आसान, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा डैश भाषा मशीन भाषा और उच्च स्तरीय भाषा का मिश्रित रूप है,
HL असेंबली भाषा, ML के इनमें से कोई नहीं। तो डैश भाषा मशीन भाषा और उच्चरी अस्थि का जो मिश्रित रूप होता है दैट इज असेंबली लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ऑपरेटिंग सिस्टम ने GUI का उपयोग किया था, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। एग्जाम में इसका भी फुल फॉर्म काफ़ी पूछे जाते हैं, फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो किस ऑपरेटिंग सिस्टम में इसका उपयोग किया जाता है, विंडोज की, डॉस की, यूनिक्स की, इनमें से कोई नहीं, तो विंडोज में इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट है, DOS का पूरा नाम क्या है। ये जितने भी फुल फॉर्म है काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम में और यही आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डेक ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्क ऑपरेशन सिस्टम के इनमें से कोई नहीं, तो DOS स्टैंड फॉर डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से DOS की फाइल कौन सी नहीं है, command.com, iosys, ms.dos.sys की autox.bat, तो इनमें से कौन सी नहीं है, दैट इज ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट है, DOS में command.com फाइल किस तरह काम करती है, कम्युनिकेशन फाइल, कमांड इंटरप्रेटर की, बैच फाइल की, इनमें से कोई नहीं। तो DOS में जो command.com फाइल है वो काम करती है एज ए कमांड इंटरप्रेटर की तरह, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, फैट का पूरा नाम क्या है, फाइल एलोकेशन टेबल, फॉर्मेट एलोकेशन टेबल, फॉर्मेट एड्रेस टेबल की, इनमें से कोई नहीं। तो जो फैट का पूरा नाम क्या है, दैट इज फाइल एलोकेशन टेबल, दैट इज ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा GUI का तत्व नहीं है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का एलिमेंट नहीं है, चेकबॉक्स, प्रॉम्प्ट, बटन, रेडियो बटन। तो प्रॉम्प्ट जो है वो एक GUI का तत्व नहीं है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, DOS, विंडोज 98, MS Word 1988, UNIX। तो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, MS Word 1988। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइम शेयरिंग में उपयोग किया जाता है, प्रोसेस, टाइम स्लाइस, फाइल, इनमें से कोई नहीं। तो टाइम शेयरिंग में उपयोग किया जाता है, दैट इज टाइम स्लाइस। नेक्स्ट है, io.sys फाइल का पूरा नाम क्या है, इनपुट आउटपुट सिस्टम, इनपुट आउटपुट स्टैंडर्ड, की और बी, दोनों की, इनमें से कोई नहीं। तो io.sys का जो पूरा नाम होता है इनपुट आउटपुट सिस्टम, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। लास्ट क्वेश्चन है कि डायरेक्टरी को बनाने के लिए कौन सी कमांड यूज की जाती है, mkr, mr, md, krd। तो कौन सी डायरेक्टरी के लिए बनाने के लिए कौन सी कमांड यूज की जाती है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, md। ठीक है, तो ये आपके कंप्लीट MCQs थे जो कि कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग का, ऑलरेडी मैंने फाइनेंशियल अकाउंटिंग के, बिजनेस इकोनॉमिक्स के, बिजनेस मैनेजमेंट के MCQs ऑलरेडी अपलोड किए हैं, तो उन्हें जाकर आप जरूर देखें, आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। ओके, थैंक यू।